हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनएस के ज्ञान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रियलमी 7 प्रो स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रियलमी V5 का रीब्रांडेड वर्जन होकर रियलमी 7 प्रो के नाम से मार्केट के अंदर लॉन्च होगा, जो कि टीना सर्टिफिकेशन पर ऑफिशियली लिस्ट हो चुका है, जिसमें यह कन्फर्म होता है कि इसके अंदर आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर और 5000 mAh की बैटरी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रियलमी 7 प्रो स्मार्टफोन की कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में कि इसके अंदर आपको कौन कौन से नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं और कब तक और कितने प्राइस रेंज के अंदर ये फ़ोन मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं इसकी डिज़ाइन से। तो इसके अंदर आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा, जो कि ग्लॉस ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा, एंड इसके साथ ही आपको बैक साइड में स्क्वायर शेप में क्वाड कैमरा सेटअप और रियलमी की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.67 इंचेस की फुल HD+ सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिलेगा, जो कि डुअल पंच होल कटआउट के साथ आने वाला है, जिसमें कि आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और सुपर एमोलेड का पैनल है तो फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और इसकी स्क्रीन एंड बैक दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरेनिंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का दमदार प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। एंड अगर बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो इसके अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि रियलमी UI पर बेस्ड होगा। और अगर बात करें इसके कैमराज के बारे में, तो इसके बैक साइड में आपको स्क्वायर शेप में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा, और इसके साथ आपको 3 लेंस और देखने को मिलेंगे, जिसमें 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर होगा एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस होगा। और अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरे के बारे में, तो इसके फ्रंट में आपको अंडर डिस्प्ले डुअल पंच होल सेल्फी कैमराज देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइमरी सेंसर 32 मेगापिक्सल का होगा और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस होगा। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, और 30 वाट का सुपर फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही आपको मिलेगा टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन मार्केट के अंदर 3 वेरिएंट में लॉन्च होगा, 6GB+128GB, 8GB+128GB और 8GB+256GB। और अब फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर इसके बेस वेरिएंट की यानी कि 6GB+128GB वाले वेरिएंट की प्राइस होगी लगभग 20,000 रुपये के आसपास। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन मार्केट के अंदर सितंबर के सेकंड वीक तक लॉन्च हो सकता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।